मैं शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी स्नैक्स, जिसके लिए मैंने लिया है प्रोसेस चीज़ और उसे मैंने कद्दूकस कर लिया है और उसके बाद मैंने इसमें डाला है बॉयल आलू। आलू आप बहुत अच्छे से देख के लें, ये पहाड़ी आलू या लाल छिलके वाले आलू हों तो वो बेस्ट रहेगा। और इसके बाद मैंने डाला है बॉयल कॉर्न और कटे हुए बारीक प्याज, शिमला मिर्च, थोड़ा सा धनिया, बारीक कटे हुए हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ लाल मिर्च, थोड़ा सा लहसुन जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है या आप इसे बारीक कूट भी सकते हो। उसके बाद मैंने थोड़ा सा कद्दूकस करा हुआ अदरक डाला है और इन सबको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसमें ऊपर से इसके मसाले डाल सकते हैं। उसके बाद इसे मैं मिक्स करूँगी। इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च से किसी भी तरह के स्नैक्स में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है लाल मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद इसमें डालना है कॉर्नफ्लो और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। कॉर्नफ्लो डालने से इसमें बहुत अच्छी बाइंडिंग आ जाती है और यहाँ पे आपको बाइंडिंग के हिसाब से कॉर्नफ्लो का इस्तेमाल करना है। ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मैंने हाथ पे अपने थोड़े से तेल लगाया है और उसे अच्छे से फैला लिया है। और उसके बाद जितनी बड़ी पीस आपको बनानी है उतना इसका मिक्सचर लेके और इसे गोल कर लेना है। आप देख सकते हो मैंने इसके राउंड शेप बनाया है और सभी को ऐसे ही तैयार कर लूँगी। और इसके बाद मैं इसमें एक कॉर्नफ्लो की कोटिंग कर दूँगी जिससे ये बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। आप देख सकते हो मैं कैसे इसे कोट कर रही हूँ। इसके बाद मैंने लिया एक बॉल, उसमें डाला है थोड़ा सा कॉर्नफ्लो, थोड़ा सा मैदा, लाल मिर्च पाउडर और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और पानी डाल के इसका एक घोल तैयार करूँगी। घोल को बस एक कोटिंग आने तक ही इसको पतला करना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है। और इसके बाद मैं आप देख सकते हो स्पून में लेके और इसे कोट कर रही हूँ और इसे फिर ब्रेड क्रम से कोट करूँगी। कोट करने के बाद इसे 10 से 15 मिनट तक रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है और उसके बाद इसे तलना है। आप यहाँ पर आप चाहो तो इसे स्टोर करके भी रख सकते हो और जब इसे ज़रूरत हो तो फ्रीजर से निकाल के और इसे हाथों हाथ तल सकते हो। अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें मैंने तेल गरम कर लिया है और उसके बाद मैं इसे तलूँगी। यहाँ पे गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है ताकि ये अंदर से भी बहुत अच्छे से पक जाए और बहुत अच्छे से क्रंची हो जाए। पहले इसे तेल में डालने के बाद एक बार सेट होने देना है और उसके बाद इसे पलटना है। आप देख सकते हो मैंने इसे थोड़ा देर सेट होने के लिए छोड़ा है और उसके बाद मैं इसे पलट रही हूँ। आप चाहो तो पहले दो तीन पीस डाल के और चेक कर सकते हो कि ये फट तो नहीं रही है और उसके बाद आप इसे अच्छे से तल सकते हो। आप देख सकते हो मैंने इसकी कोटिंग कर दी थी, इसकी वजह से ये बिल्कुल भी नहीं फटी हो और बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर इस पर आया है। अब ये बहुत अच्छे से ब्राउन हो चुकी है, मैं इसे बाहर निकाल लूँगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करें और मेरे चैनल को फॉलो करें अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे की वीडियो आप बहुत ही आसानी से देख सकें।